हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक अवर कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, तो ये क्वेश्चन मैं भूल गई थी। सो आज के इस वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और अगर आपने दिसंबर 2019 का वीडियो नहीं दिखाया तो मैंने ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दी है, आप वो भी देख लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Let u be the open subset of C and f u to C with the analytic function. Then which of the following are true? Question is from part C, so multiple correct option हो सकते हैं, so one by one सारे option check करेंगे. If f is 1 1, then f u is 1 1, is open in C. Second statement saying f is on 2, then u equals to C. Third statement is saying f is on 2, then f is 1 1, and last statement is saying if f is closed in C, then f u is connected. So one by one question options check करते हैं। So first of all हमें given क्या है, u एक open subset है C में, and f u to C जो mapping define की गई वो analytic है, then बताना है कौन सा statement true होगा। So first of all अगर open mapping theorem की बात करें, then open mapping theorem हमें कहती है, open mapping theorem कहती है a non-constant analytic function maps open set to into open set, मतलब non-constant जो analytic function होता है वो open set को open set में map करेगा। और अगर फंक्शन नॉन कॉन्स्टेंट हो, देन उस केस में हम ओपन की कैसे बात करेंगे। देन यहाँ से अगर इन उसके अलावा एक तो ओपन मैपिंग थ्योरम से हम कह सकते हैं यहाँ से वो ओपन होगा, एफ यू यू अगर ओपन है देन एफ यू ओपन ही आएगा। एंड अगर इसके अलावा हम इनवेरियंस ऑफ डोमेन थ्योरम की बात करें, इनवेरियंस ऑफ डोमेन थ्योरम कहती है इफ़ यू इज़ एन ओपन सबसेट, इफ़ यू इज़ एन ओपन सबसेट एंड एफ यू टू सी इज़ एन इंजेक्टिव कंटिन्यूस मैप, देन v इक्वल्स टू एफ यू इज़ ओपन। यानी कि अगर u ओपन सबसेट हो, एफ यू टू सी इंजेक्टिव कंटिन्यूस डोमेन, इंजेक्टिव कंटिन्यूस मैप हो, देन u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू एफ यू हमारे पास ओपन ही होगा। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज सेइंग इफ एफ यू इज़ क्लोज्ड इन c, देन एफ यू इज़ कनेक्टेड। देन लेट अस टेक अ मैपिंग एफ बी 0 1, यानी सेंटर एट 0 एंड रेडियस इक्वल्स टू 1। सो बी 0 1 एंड बी 3 1, सेंटर एट 3 एंड रेडियस इज 1 टू सी, सच दैट एफ जेड इक्वल्स टू, हमने फंक्शन डिफाइन किया एफ जेड इक्वल्स टू 1 व्हेन जेड बिलोंग्स टू 0 टू 1 एंड 3 व्हेन जेड बिलोंग्स टू बी 3 1। सो यहाँ से ये जो फंक्शन आया हमारे पास, ये एनालिटिक फंक्शन है, साथ ही एफ यू इक्वल्स टू 1 2 विच इज़ अ क्लोज्ड इन सी, ये क्लोज्ड भी है बट एफ यू हमारे पास एफ यू आया 1 2 विच इज़ नॉट कनेक्टेड। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। नाउ कम टू द ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सेइंग एफ इज ऑन टू देन एफ इज 1 1, मतलब अगर एफ ऑन टू है देन एफ 1 1 होगा। सो इफ वी आर टेकिंग एफ यू टू सी सच इज दैट एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड, सो ये फंक्शन ऑन टू है बट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दैट्स व्हाई यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सिंग एफ इज ऑन टू देन यू इक्वल्स टू सी, मतलब अगर एफ ऑन टू होगा देन यू इक्वल्स टू सी होगा। सो इफ वी आर जस्ट टेकिंग पिकार्ड्स ग्रेट थ्योरम, पिकार्ड्स ग्रेट थ्योरम इज सिंग इफ एफ इज एन, लेट एफ इज एनालिटिक इन अ डिलेटेड एन बी डी, एन बी डी है एन जेड जीरो डेल्टा माइनस जेड जीरो, वेर जेड इक्वल टू जेड जीरो इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ, देन फॉर एनी आर बिटवीन जीरो टू डेल्टा इन एन जेड जीरो आर माइनस जेड जीरो, एफ अज्यूम्स ईच कॉम्प्लेक्स नंबर विद वन पॉसिबल एक्सेप्शंस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। सो पिकार्ड्स ग्रेट थ्योरम इज सेइंग अगर एफ एनालिटिक फंक्शन और डिलेटेड एन बी डी में जहाँ जेड इक्वल टू जीरो पर एसेंशियल सिंगुलरिटी हो, देन फॉर एनी आर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू होगी बिटवीन जीरो टू डेल्टा एन जेड जीरो माइनस डेल्टा, देन एफ अज्यूम्स ईच कॉम्प्लेक्स नंबर विद वन पॉसिबल एक्सेप्शन, सिर्फ एक पॉसिबल एक्सेप्शन को छोड़ के एफ सारी वैल्यू अज्यूम करेगा। सो बाई पिकार्ड्स थ्योरम, पिकार्ड्स थ्योरम से अगर हम अज्यूम करें बी जीरो टू वन जीरो वन एंड माइनस जीरो टू सी एफ जेड इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 1/z, सो जेड इक्वल्स टू जीरो इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड,
सो यहाँ से एसेंशियल सिंगुलरिटी आ गई, बाई पिकार्ड थ्योरम सारी वैल्यू अज्यूम्स करेगा, वैल्यू सारी वैल्यू आएगी इसकी, बट एक्सेप्शन एक वैल्यू छोड़ गए। सो यहाँ से एफ इक्वल्स टू बी 01 माइनस 0 यूनियन बी 51 टू सी सच दैट फंक्शन अज्यूम किया है एफ जेड इक्वल्स टू एक्सपोनशियल 1 बाई जेड वेन जेड बिलोंग्स टू 0 टू 1 माइनस 0 एंड 0 वेन जेड बिलोंग्स टू 51। सो यहाँ से एफ जेड एनालिटिक है, 1 टू भी है, बट यू डजेंट इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से यू डजेंट इक्वल्स टू सी आने की वजह से यहाँ से ऑप्शन यू भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, सी भी डिस्कार्ड हो गया एंड डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन ए। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन ए। सो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।